वीर जवान उमर फयाज का सीना दहशतगर्दों ने जिस तरह से गोलियों से छलनी किया था, वो भयानक मंजर आज भी लोगों की आंखों से ओझल नहीं हो पाया कि अब आतंकियों ने अपनी नापाक हरकतों से एक और जवान की हत्या कर दी। उत्तरी कश्मीर के हाजिन में लश्कर के आतंकियों ने छुट्टी पर घर आए निहत्ते बीएसएफ जवान को उसके घर में ही गोलियों से भूनकर मार डाला। हमले के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस और सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है और तलाशी अभियान जारी है। बताया जा रहा है कि 3 से 4 आतंकियों का एक दल सर्च ऑपरेशन के डर से रात करीब 8 बजे जवान के घर में दाखिल हुआ। आतंकियों के गुट ने जबरन उसके घर में शरण लेनी चाही, लेकिन वीर जवान ने उन्हें घर में ना रहने के साथ गिरफ्तार करने की धमकी दी। इस पर आतंकियों से बहस और धक्का मुक्की भी हो गई। मामला बिगड़ता देख आतंकी वहां से चले गए, लेकिन कुछ देर बाद बड़ी संख्या में फिर से वापस लौट आए। उन्होंने पूरे परिवार को एक जगह जमा किया और फिर जवान रमीज और उसके भाई को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन रमीज ने आतंकियों का विरोध करते हुए दिलेरी से एक आतंकी की राइफल छीनने की कोशिश की। इस विरोध पर आतंकियों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से रमीज, उसका भाई, पिता और बुआ जमीन पर गिर पड़े। आतंकी उन्हें मरा समझकर वहां से भाग निकले। गोलियों की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने घर के आंगन में घायल पड़े चारों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जवान को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले उमर फयाज की भी आतंकियों ने इसी तरह से हत्या की थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।